आपने अपने आसपास बहुत सारी कुत्तों की नस्लों को तो देखा ही होगा। हर नस्ल अपने आप में ही खास होती है। कुछ कद के बहुत बड़े होते हैं जिनके साथ होने मात्र से हौसले बढ़ जाते हैं, तो कुछ इतने छोटे होते हैं कि बैग में रखकर कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। कुछ अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए पूरी दुनिया में बदनाम होते हैं, तो कुछ सही ट्रेनिंग न मिलने पर हाथ से निकल जाते हैं। कारण कुछ भी हो, मगर हर नस्ल खुद में अलग और कुदरत का अद्भुत करिश्मा होती है और हम इंसानों के लिए एक वफादार साथी भी, जो आज की तारीख में मिलना थोड़ा मुश्किल है। आज कुछ ऐसी ही नस्लों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनकी जीभ काली होती है और यही चीज उन्हें दुनिया की हर नस्ल से अलग बनाती है। वैसे हमने इस चैनल पर बहुत सारे डॉग से रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, अगर आप एक डॉग लवर हैं तो आप उनको भी चेक जरूर कीजिएगा, आपको वो पसंद जरूर आएंगे। और हमें कमेंट करके बताइएगा आपकी फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है, हम उस पर भी स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 4, शेरपाई। शेरपाई एक चाइनीज ब्रीड है जिसका इतिहास तो शायद किसी को नहीं पता, मगर कहा जाता है शेरपाई पिछले 2000 साल से अपने आप को विकसित करते आ रहे हैं। शेरपाई अपने रिंकल्ड फेस के लिए भी जाने जाते हैं, साथ ही काफी सारे हेल्थ इश्यूज भी फेस करते हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम और हिप डिस्प्लेसिया। और ये बात किसी भी डॉग ओनर के लिए अच्छी बात नहीं हो सकती कि उनका डॉग बार बार बीमार होता रहे। वैसे शेरपाई की जीभ आमतौर पर डार्क ब्लू और ब्लैक कलर की होती है। क्या आपने इससे पहले कभी शेरपाई का नाम सुना था? नंबर 3, चाओ चाओ। चाओ चाओ भी एक चाइनीज डॉग ब्रीड है। कहा जाता है ये नस्ल शेरपाई से भी पुराना इतिहास रखते हैं। चाओ चाओ दिखने में जितने क्यूट होते हैं उतने ही सोशलाइज करने की जरूरत भी होती है इन्हें, वरना ये बहुत एग्रेसिव डॉग ब्रीड भी है। वैसे चाओ चाओ के पपीज की जीभ पैदा होते ही पूरी तरह से काली नहीं होती, मगर जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाते हैं इनका कलर बदलकर डार्क होने लगता है। कभी कभी इस प्रोसेस में 6 मंथ तक भी लग जाते हैं। चाओ चाओ की जबान हमेशा पूरी तरह से काली या डार्क पर्पल कलर की होती है। अगर किसी चाओ चाओ की टंग पूरी तरह से काली नहीं है तो वो चाओ चाओ स्टैंडर्ड ब्रीड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आपका क्या ख्याल है इस पर, वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, यूरेशियर। यूरेशियर बहुत ही लविंग और डिवोटेड होते हैं अपने परिवार के लिए। हालांकि इस नस्ल को नॉन स्पोर्टिंग डॉग कैटेगरी में रखा जाता है, मगर इन्हें बाहर खेलना बहुत पसंद होता है। यूरेशियर को 1970 के एंड में वुल्फ स्पिट और चाओ चाओ को क्रॉसब्रीड करके जर्मनी में विकसित किया गया था, ताकि इनसे जो नस्ल तैयार हो उसकी जबान काली हो, जिससे दिखने में ये और भी आकर्षक लग सके। काफी बार इनकी जीभ पर काले धब्बे भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो असली यूरेशियर नहीं है, वो भी असली ही होते हैं। नंबर 1, थाई रिजबैक। थाई रिजबैक एक रेयर और एंशियंट डॉग ब्रीड है थाईलैंड की, और थाईलैंड से ही इस नस्ल को थाई नाम मिला है। थाई रिजबैक को पुराने समय में हंटिंग और वॉचडॉग के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर हंटिंग ब्लडलाइन होने के कारण ये बहुत एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है, जिसके कारण इसे हर रोज बहुत कसरत की जरूरत होती है। थाई रिजबैक की जीभ पूरी तरह से काली कभी नहीं होती, या तो ये डार्क ब्लू, पर्पल या ब्लैक स्पॉटेड होती है, जो इस नस्ल को पहचानने के लिए एक गजब का तरीका है। वैसे काफी सारी डॉग ब्रीड्स को आजकल क्रॉस ब्रीड करके काली जीभ वाला बनाया जा रहा है। आप उनमें से किसी को जानते हैं तो उनका नाम आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इनमें से आपको कौन सी ब्रीड सबसे ज्यादा पसंद आई वो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।